नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काना है और जिस विषय पर मैंने आज अपनी ये कविता लिखी है बहुत गंभीर और बहुत संगीन विषय है। ये उस बाप के दर्द की कहानी है जिसकी बेटी का बलात्कार हो जाता है और मैं चाहता हूँ आप भी उसी जोश और उसी दर्द में सुने जिस जोश और दर्द में मैंने ये कविता लिखी है कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए, उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, उसे डर है कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। अरे कोई नहीं समझता इस पीड़ा इस दर्द को, उसके शरीर के निशान उसके बहते हुए रक्त को, क्योंकि हम तो मसरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में। अरे हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, हमारे घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे और कुछ नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम का मसला उछाल देते हैं, अरे दो चार तुम हिंदू मार दो, दो चार हम मुसलमान मार देते हैं, क्योंकि क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं लड़की ने ही जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती, अरे तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम कि लड़की अगर रात में बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बाहर निकलने की क्या जरूरत है जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत है जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। अरे उसकी चीखों से पूरे घर में हलचल थी जब उसे देखा गया, वो पूरे खून में लथपथ थी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ 8 महीने की बच्ची होती कितनी है, उसकी तो ढंग से आंख भी नहीं खुली होगी, कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी। पर आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया, जिस देवी को दूध से नहलाना था उसे खून से नहला दिया। अरे उसे देख तो उसकी आत्मा भी डर गई थी, उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी, उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। पर ना जाने ये तुम्हारी सोच किस फिराक में बैठी है, शायद तुम भूल जाते हो कि एक जवान बेटी तुम्हारे घर में भी बैठी है। अरे तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरे बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है, चलती बस में से फिर उसे फेंक दिया जाता है, उसे रोड पर नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप पर फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। पर साहब वो तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था, एक चुन्नी तक नहीं उड़ाई गई, उस दिन मर्द शब्द अपने आप में शर्मिंदा था। उसके कातिल भी जेल से यूं ही निकल जाते हैं, वहां से निकल फिर वो एक बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर कोई बहन उनकी बस में सवार हो सके, ताकि फिर कोई दामनी उनकी हवस का शिकार हो सके। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने के, हिंदू मुस्लिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ मुसलमानों भारत छोड़ो, तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में, क्योंकि तुम क्या जानो कितना दर्द होता है एक बेटी को दर्द सहने में। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ये कहने में कि ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी बहन बेटियों का भी खून बहने में। अरे सब सोचकर कौन बाप चाहेगा उसके घर में भी एक बेटी हो जो छाती से लगी उसकी गोद में बैठी हो। पर अब और नहीं, अब हर आदमी को टोकना होगा, आतंकवाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा, अब नारे नहीं लगाने हैं इंसाफ के, अब आस नहीं जगानी है इस बिकी हुई सरकार से, अरे अब तो खुद ही सबर की सीमा लांघनी होगी, ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली मारनी होगी, ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली, क्योंकि अगर इन्हें ना रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे सिर्फ बेटी ही क्या, इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा, इंसान बनना ही।